जेरंड, जिसे हिंदी में क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, नाउन के बारे में समझा और हमने ये भी जाना कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, ये टॉपिक है क्रियावाचक संज्ञा। ये भी संज्ञा का एक प्रकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में मोस्टली ये टॉपिक सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइजेस में आता है। इसे जेरंड कहते हैं, GERUND, जेरंड। देखिए होता क्या है, इसे हम डिटेल में समझेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी क्रिया के साथ ING लगाकर उसे नाउन की तरह यूज किया जाए तो वो नाउन यानी वो संज्ञा जेरंड कहलाती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर आप समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टू नो बिफोर यू प्रोसीड, जेरंड के टॉपिक को समझने से पहले ये समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट या तो संज्ञा होती है या फिर सर्वनाम। यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर एक प्रोनाउन, इसके अलावा सब्जेक्ट कुछ और हो ही नहीं सकता। ये आप लिख के ले लीजिए। मान लीजिए कोई सेंटेंस आपके सामने आया, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो या तो एक नाउन होगा और या एक प्रोनाउन होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो या कंजंक्शन हो या प्रपोजिशन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आप जान लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, सफलता बहुत जरूरी है, सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सक्सेस। सक्सेस क्या है, ये क्या सब्जेक्ट है? मैंने बताया सब्जेक्ट या तो एक नाउन है या एक प्रोनाउन है। ये नाउन है या प्रोनाउन है ये हमें जानना है। प्रोनाउन तो ये हो नहीं सकता क्योंकि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जाना था कि प्रोनाउन होते क्या हैं, सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पे आते हैं, जैसे ही, शी, दे, आई, यू। ये एक नाउन है पर कौन सा नाउन है? क्या ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये समझ लिया है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए, अयांश मेरा बेटा है, अयांश इज माय सन। सब्जेक्ट है अयांश, कैसा सब्जेक्ट है, नाउन है या प्रोनाउन है? बड़ा सिंपल है, ये एक प्रॉपर नाउन है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर में पहले ही समझ चुके हैं। तो ये एक व्यक्ति का नाम है और जो व्यक्ति का नाम होता है या वस्तु का नाम या स्थान का नाम, वो क्या होता है, वो होता है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वह मेरा बेटा है, ही इज माई सन। यहां पर सब्जेक्ट है ही मतलब वह। ही क्या है, ये एक प्रोनाउन है, ये बात हम पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन टॉपिक में समझ चुके हैं और ये तो बड़ा कॉमन है, हम सभी जानते हैं ही, शी, दे, इट, आई, यू, वी, ये क्या है, ये सब प्रोनाउन है। तो मैंने अभी तक आपको तीन एग्जांपल्स बताए। पहले एग्जांपल में सब्जेक्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरे एग्जांपल में मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट था प्रोनाउन, सॉरी नाउन, और इस एग्जाम्पल में आपके सामने सब्जेक्ट है प्रोनाउन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपके सामने एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, पढ़ना अच्छी आदत है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। यहां पर सब्जेक्ट है पढ़ना, किसके बारे में बात हो रही है, पढ़ने के बारे में, तो सब्जेक्ट कौन है, पढ़ना। पढ़ना को मैंने कहा रीडिंग, क्यों कहा इसको समझिए। देखिए रीड मतलब पढ़ना, रीड एक वर्ब है, हम सब जानते हैं रीड एक वर्ब है यानी एक क्रिया है, ये बात हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो लेक्चर में समझी थी। अब मैंने आपको ये बताया कि सब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन, और कुछ नहीं हो सकता, तो ये कैसे संभव है कि यहां पर मेरा सब्जेक्ट एक वर्ब है, ये तो संभव ही नहीं है। पर यह संभव है, कैसे,
जब आप किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे और उसे सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो फिर वो वर्ब नहीं बल्कि जेरंड कहलाएगा, और जेरंड मतलब होता है क्रियावाचक संज्ञा, यानी एक संज्ञा की तरह आप उस क्रिया को यूज करेंगे आईएनजी लगा करके। तो यहां पर घबराइए नहीं, ये सब्जेक्ट भी मेरा संज्ञा ही है, लेकिन ये संज्ञा क्या है? क्रियावाचक संज्ञा, जिसे आप जेरंड कहते हैं, और इसी टॉपिक को हम यहां पढ़ रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब चूंकि हम कुछ बेसिक चीजें समझ चुके हैं जेरंड के बारे में, तो डेफिनेशन आपके सामने है। अगर किसी भी क्रिया के साथ आईएनजी लगाकर उसे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो उसे क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। इफ अ वर्ब इज एडेड विद आईएनजी एंड यूज्ड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस देन द वर्ब इज कॉल्ड जेरंड। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं जेरंड के, जहां पर वर्ब के साथ आईएनजी लगा करके एज अ नाउन यूज किया गया है। एग्जाम्पल देखिए, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सब्जेक्ट है रनिंग। रनिंग मतलब दौड़ना, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसके साथ आईएनजी लगा दिया और सब्जेक्ट की तरह यूज किया। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। जिमिंग इज माय रूटीन। प्लेइंग गिटार इज माय लव। प्ले मतलब खेलना, ये तो एक क्रिया है, लेकिन क्रिया के साथ आईएनजी लगाया और एज अ नाउन, एज अ सब्जेक्ट आपने उसको यूज कर लिया। लविंग यू इज माय हैबिट। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। देखिए यहां पर स्मोकिंग, स्मोक मतलब क्या होता है? धूम्रपान करना, स्मोक, और स्मोक अपने आप में एक क्रिया है, लेकिन मैंने लगाया उसके साथ आईएनजी और मैंने उसको एज अ सब्जेक्ट यूज कर लिया, एज अ नाउन यूज कर लिया, जेरंड बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, स्पीकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। स्पीक एक वर्ब है, आईएनजी लगा दिया, जेरंड बना दिया।